खबर है श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां एक तरफ कोरोना के काल से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने फिर से कहर बरपा दिया है। घड़साना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में टिड्डियों ने फसलों पर आक्रमण किया है। सीमावर्ती इलाके के आधा दर्जन क्षेत्रों में टिड्डी दलों ने पड़ाव डाला हुआ है। वहीं किसानों का ये कहना है कि पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड ने किसानों की फसलें बर्बाद करना शुरू कर दी हैं और इस इलाके के तमाम किसानों में दहशत का माहौल भी है। श्रीगंगानगर के गड़साना में एक तरफ कोरोना का काल, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों की दस्तक। आज समूचे गड़साना सहित आसपास के गांवों में टिड्डियों ने कहीं ना कहीं खेतों में हमला बोल दिया है, जिससे किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो चुकी है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो टिड्डियों ने जो हमला किया है उसके लेकर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी बहुत साफ हो गया, कुछ भी है नहीं। और वो इसमें नरमा लगाया हुआ था, कुछ भी है नहीं, अभी साफ हो गया। और हमने इसमें बटल बाल्टी सब बजाए पर फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है, सारा का सारा इसने चौपट कर दिया। बिल्कुल, तमाम जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी कोरोना काल से पहले कहीं ना कहीं टिड्डियों ने भी दस्तक दी थी, और कोरोना के चलते हुए भी आज भी टिड्डियों ने कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो है दस्तक दी है, जिससे किसानों की फसलें जो है वो चौपट हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि नव अंकुरित कपास की जो फसल है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। वह किसानों की एक मांग भी है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। मैं मेरे कैमरामैन राकेश के साथ विकास परिक A1 TV घरसाना।